रूस अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत समूचे पश्चिमी देशों से सीधा लड़ने के लिए तैयार है। एक दिन पहले लाखों सैनिकों की भर्तियों का आदेश जारी करने वाले पुतिन अब परमाणु टेस्ट करने की फिराक में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया है। ऐसा दावा है कि पुतिन परमाणु जंग को लेकर एक्शन मोड में है। रूस के न्यूक्लियर टेस्ट साइट प्रमुख ने कहा कि यदि मॉस्को आदेश देता है तो उनकी सीक्रेट फैसिलिटी किसी भी समय परमाणु टेस्ट फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस की पश्चिमी देशों के साथ दुश्मनी बेहद खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। ताजा बयान रूस और नाटो देशों के बीच के तनाव को कई गुना बढ़ा सकता है। खास बात है कि रूस ने साल 1990 के बाद से परमाणु हथियारों का टेस्ट नहीं किया है। ऐसे में रूस के न्यूक्लियर टेस्ट साइट प्रमुख का बयान कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए ये आदेश देकर आग को भड़का सकते हैं। बता दें कि रूस का उग्र रवैया तब सामने आया है जब पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल का मन बना रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी देशों को जंग से दूर रहने की सलाह दे चुके हैं। पश्चिमी देशों के अड़ियल रुख के चलते मौजूदा यूक्रेन युद्ध 2.5 साल से भी अधिक खिंच गया है। जहाँ पश्चिमी देश यूक्रेन की ढाल बनकर खड़े हुए हैं, हाल में लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर पश्चिमी देशों के झुकाव से रूस भड़का हुआ है। खुद राष्ट्रपति पुतिन इस पर नाराजगी जता चुके हैं। पुतिन ने इसे पश्चिमी देशों का सबसे गलत फैसला तक करार दिया है। ऐसे में रूस जबरदस्त प्रतिक्रिया देने की तैयारी में जुट गया है। माना जा रहा है कि रूस के इस तेवर से अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी दे सकता है। इस होड़ में चीन भी कूद सकता है। इससे बड़ी शक्तियों के बीच नए परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। बता दें, इन तीनों देशों ने ही सोवियत संघ के बिखरने के बाद से परमाणु टेस्ट नहीं किया है। अगर रूस के टेस्टिंग साइट की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर के एक द्वीप पर मौजूद है, जहां रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ ने 200 से ज्यादा परमाणु टेस्ट किए थे। इसमें से साल 1961 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का विस्फोट भी शामिल है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सेना ने RS-24 यार्स के लॉन्चरों के साथ लड़ाकू गश्ती युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर रूसी मिसाइल बलों के डिवीजन की ओर से ऑपरेट हो रहा है। इन गश्तों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस मोबाइल मिसाइल लॉन्चर को ट्रांसफर करना और तैनात करना शामिल है, ताकि हर समय युद्ध की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। मालूम हो कि यार्स मिसाइल एक वार में कई अलग अलग लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक बार में यूक्रेन की राजधानी कीव को नक्शे से मिटा सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और रॉबर्ट एफ कनेडी जूनियर ने परमाणु युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन पर रूस के साथ बातचीत का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को कम करने का समय आ गया है। ये हमारे देश के किसी भी राजनीतिक मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमाणु युद्ध का मतलब सभ्यता का अंत होगा, जैसा कि हम जानते हैं शायद मानव जाति का भी अंत हो सकता है। हमें अभी मांग करनी चाहिए कि कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पागल युद्ध के एजेंडे को उलट दें और मॉस्को के साथ सीधी बातचीत शुरू करें।